हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नया अपडेट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट में इनकम्प्लीट या डिटेंड लिख के आ रहा था वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ने कर दिया है। इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए गए थे इस विषय पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ कि जो भी स्टूडेंट में डिटेन या इनकम्प्लीट लिख के आ रहा था वो फाइनली यूनिवर्सिटी ने सुधार कर लिया है। और अगर आप में अभी तक ये डिटेन या इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मार्कशीट दिखा देते हैं, आप नंबर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही मार्कशीट अभी हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे, उसमें आसानी से रिजल्ट में चेंजेस होके आपको देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है रिजल्ट में डिटेंड, यहाँ पर नंबर देख सकते हैं 62, 58, 67, 70 और वाइवा में 65 नंबर दिए गए हैं एंड 322 नंबर टोटल, और पिछले साल में 0/500 दिया गया है और रिजल्ट में डिटेंड लिख के आ रहा था। लगभग एक महीने से ये प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं कि अब इसमें क्या आ रहा है। ये देखिए गाइस, इस समय ये इस रिजल्ट की बात करते हैं, ये देखिए वही 62, 58, 67 और 70 और 322 वही मार्कशीट आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन आप जब रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन और रिजल्ट में फर्स्ट लिख के आ रहा है। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट में इनकम्प्लीट लिख के आ रहा था या फिर डिटेंड लिख के आ रहा था उनका सोल्यूशन फाइनली यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, शायद एक दो स्टूडेंट ऐसे बच गए होंगे या पर कुछ संख्या में ऐसे बचे होंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा, मतलब सही रिजल्ट नहीं आया होगा, डिटेंड लिख के आ रहा होगा या फिर इनकम्प्लीट लिख के आ रहा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करना है, आपको RTI लगाना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रीवेंस का आपको ऑप्शन दिया, वहाँ पर ग्रीवेंस लगा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रीवेंस लगाते हैं बहुत जल्द उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहुँचा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, नंबर आपको कम मिले हैं, किसके आधार पर नंबर मिले हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने आपको लिखित में नंबर थे उसके औसत अंकों के आधार पर आपको फर्स्ट ईयर में अंक प्रदान किए गए। आप आसानी से स्क्रीन पर जो भी मार्कशीट देख पा रहे होंगे, वाइवा का नंबर आप हटा दीजिएगा, यानी 322 यहाँ पर एक एप्लीकेशन के एक एप्लीकेंट के नंबर है, यहाँ पर 65 नंबर हटा दीजिएगा और जितने भी नंबर आते हैं उनमें भाग चार्ज कर दीजिएगा और जितना भी औसत आता है वही नंबर आपको पार्ट वन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ कम या कुछ ज़्यादा नंबर मिले हैं, जो भी प्रॉब्लम है तो आप यूनिवर्सिटी को आसानी से गवर्नेंस लगा सकते हैं, बहुत जल्द उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा।